बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू सेंचुरी प्रेस एंड पब्लिशर्स। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डू यू नो कि हाउ आर यू के जवाब में आपने कहना है आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा बच्चों, आज हमने एक न्यू लेटर सीखना है और हमारा आज का लेटर है लेटर जे। यस, दिस इज कैपिटल लेटर जे एंड इट इज द स्मॉल लेटर जे। एंड यू नो व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर जे? इट्स ज। व्हाट इज दिस? ज। ओके बच्चों, इट्स ज। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है? सर्दी का मौसम भी आ रहा है और मैंने भी पहनी है। व्हाट इज दिस? इट्स जैकेट। जे ज जैकेट। कौन सी जैकेट पसंद है आपको? सबकी कोई एक फेवरेट जैकेट होती है। मेरी तो ये फेवरेट जैकेट है और मैं इसको अपने ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। छोटी सी है ना इसलिए। और मेरे पास और भी बहुत सारी जैकेट्स हैं जो मैं सर्दियों में पहनती हूँ। जब मुझे ठंड लगती है ना, विंटर्स आते हैं, तो मैं बड़ी बड़ी वूल की जैकेट्स भी पहनती हूँ। आपके पास है जैकेट? कौन से कलर की जैकेट है आपके पास? मेरे पास तो ब्लू कलर की जैकेट है और ब्लैक कलर की जैकेट भी है, क्योंकि जब विंटर्स आ जाते हैं तो बहुत सर्दी लगती है, तब मैं जैकेट पहन के बाहर आती हूँ। और जैकेट का इनिशियल साउंड है जी, ज जैकेट। इसके अलावा जे से और भी बहुत से वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि जग। जग का पता है ना, जिसमें हम वाटर फिल करते हैं, कभी कभी जूस भी फिल करते हैं, कभी कभी मिल्क भी फिल कर सकते हैं। सबके घर में जग होता है। मेरे घर में तो ग्लास का जग भी है और प्लास्टिक का जग भी है, और मेरे घर डिफरेंट कलर्स के जग्स हैं। और मुझे ये बताओ कि जग का इनिशियल साउंड कौन सा है? इट्स ज जग। अच्छा बच्चों, इसके अलावा मुझे ये बताओ कि ये क्या है? किचन में पड़े होते हैं ना, ये क्या है? इट्स जार। यस, जे फॉर जार। आपको पता है ना, जार के अंदर हम चीज़ें फिल करके रखते हैं, देखते हैं ना। मेरे तो किचन में होते हैं जार्स, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कभी किसी में शुगर डाल के रख देती हूँ। और मेरा फेवरेट जार पता कौन सा है? कैंडीज वाला, जिसके अंदर मैं कैंडीज रखती हूँ। यस, आपके घर में है कैंडीज जार? यस, अगर आपके घर में नहीं है तो आपने खुद अपना कैंडी जार बनाना है, ठीक है। आपने एक जार लेना है और उसके अंदर अपनी कैंडीज को जमा करके रखना है, ठीक है, और फिर आप आराम से उसमें से निकाल निकाल के कैंडीज खा सकते हो, ठीक है बच्चों। एक और बात बताओ, जार का इनिशियल साउंड कौन सा है? यस, जार। वेरी गुड। और इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी एनिमल भी है जो कि जे से बनती है। क्या है वो? यस, जेलीफिश। आपने देखी है जेलीफिश? टीवी में देखते हैं ना, टीवी में होती है जेलीफिश। को पता है जेलीफिश का ऊपर से बहुत बड़ा सा पेट होता है और नीचे इसकी बहुत ज़्यादा टांगे होती हैं, बड़े बड़े से फीट्स होते हैं, और ये उनके मदद से पानी में तैरती है। और ये बहुत स्वीट सी होती है लेकिन ख़तरनाक भी होती है। ये अपने हाथों से जकड़ लेती है, बहुत ज़ोर की ग्रिप होती है इसकी। और इसका इनिशियल साउंड कौन सा है? जेलीफिश। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। और हमने क्या करना है? हमने फिंगर ट्रेसिंग करनी है। वेरी गुड। टू राइट लेटर जे आपने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन लगानी है, देन मेक अ कर्व। ओके, एक बड़ी स्ट्रेट लाइन और एक बड़ा सा कर्व, और उसके ऊपर एक स्लिपिंग लाइन लगा देनी है। दिस इज आवर कैपिटल लेटर जे। एंड फॉर स्मॉल लेटर जे आपने अपनी कॉपी की सेकेंड लाइन से बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट लाइन, कर्व और उसके ऊपर एक डॉट लगा देना है। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड अ डॉट। इट्स अ स्मॉल लेटर जे। ओके बच्चों, सो आपने फ्री राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, फिंगर ट्रेसिंग भी करनी है, और इसके बाद
अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।